संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, और बिना अंडे के नहीं बन सकता है हमारा संडे, क्यों? तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं पोच की रेसिपी। तो जो हम बनाएंगे एग से, तो देखते हैं हमारा पोच का रेसिपी। वेलकम टू एमवे क्वीन किचन। और आज हम बनाने वाले हैं पोच, और आज जो हमारे कुकिंग पार्टनर है वो हमारा एमवे क्वीन का सॉटे पैन है। ये हमारा 5 लेयर का है, इसमें हम फ्राइंग और सॉटे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज की रेसिपी। चलिए हम गैस को ऑन करते हैं। गैस को हमें मीडियम आंच पे रखना है। अब ये जो पोच है हम बहुत यूनिक तरीके से बना रहे हैं, इसमें हम तेल की जगह पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हम एक अंडे को लेंगे और इसे हम बहुत प्यार से तोड़ के डालेंगे। अब जब ये अंडा डल चुका है तो हम इसमें ऊपर से नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और देखते हैं 5 मिनट के बाद। चलिए लगभग 4 मिनट हो गया, हम इसको उठा के देखेंगे। देखिए बिल्कुल ही रेडी है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप देख रहे थे किनारी छूट गया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हाफ बॉयल एग पसंद है तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, अभी के टाइम पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा वो येलो पार्ट अगर पूरा पका हुआ होना चाहिए तो थोड़ा सा लगे कि अगर पानी ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। और इसको येलो वाला पूरा पकने के लिए हम और 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। चलिए 1 से 2 मिनट हो गए, अभी हम इसे उठा के देखेंगे। वाह, देखिए येलो वाला पार्ट भी बिल्कुल पक चुका है। देखिए कितना स्मूथली ये निकल रहा है, और ये हमारा रेडी है। तब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। चलिए तो आपने देखा कि बिना तेल के पोच इतना मस्त बना है कि हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, और थैंक्स टू एमवे क्वीन जो हमें ये मौका देता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाय।